बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ताज क्रिएटिव। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जॉब के हवाले से ज़रूरी अपडेट्स लेकर आया हूँ। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने का तरीक़ा क्या है, और इस जॉब के टेस्ट कब और कहाँ होगी, इस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे जो पहला है, एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं। जी, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें आप असिस्टेंट स्टोर कीपर पर अप्लाई करना चाहते हैं, या डिस्पेंसर, डिसर या मौजाने, नर्सिंग असिस्टेंट है, इन पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो है जी BPS 5 से लेकर BPS 16 तक आपको 500 रुपये अलग से पे करना पड़ेगा। दूसरा ये कि एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने का तरीका क्या है, आपको इस तरह से सेपरेट चालान लेना पड़ेगा। आपने सेपरेट चालान लेना है। फ़र्ज़ कर लें जो पोस्ट अप्लाइड फॉर IT वर्कर गिलगित बल्तिस्तान, फर्स्ट आपने ये लिखा। अब आप LDC पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपने पोस्ट अप्लाइड फॉर एक न्यू चालान लेके पोस्ट अप्लाइड फॉर पे LDC लिखना है। और अक्सर फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि चालान अपलोड नहीं हो रहा, तो फ्रेंड्स आपने ये जो चालान है इसकी फ़ोटो लेना है, JPG फार्मेट या PNG फार्मेट में आपने इधर अपलोड करना है। ये दोनों फार्मेट बताया हुआ है, JPG फार्मेट या PNG फार्मेट में आपने ज़रूर इसको अपलोड करना है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है, इस जॉब के टेस्ट कब और कहाँ होगी। अगर ये टेस्ट की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये कम से कम 1 महीना भी लग सकता है, या 1-2 महीने भी लग सकते हैं, 3 महीने भी लग सकता है, या साल भी लग सकता है। फ्रेंड्स आप ख़ुद देख सकते हैं, मैं प्रूफ लेके आया हूँ। मैंने 1 साल पहले IT वर्कर गिलगित बल्तिस्तान के लिए अप्लाई किया था। अब देखें, 10 अगस्त 2020 को मुझे लेटर आया है, 1 साल बाद मुझे लेटर आया है कि आप टेस्ट के लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए इस वेन्यू, इस एड्रेस पे आ जाएं। तो फ्रेंड्स आपने परेशान नहीं होना है, 1 महीने के बाद भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, या 1 साल भी लग सकता है। तो आपने परेशान नहीं होना है, आपने जस्ट वेट करना है और टेस्ट की तैयारी करना है। और अगर हम बात कीजिए कि टेस्ट कहाँ पर होगी, तो आपके करीबी रीजनल ऑफिस में इसकी टेस्ट हो सकती है, ठीक है। करीबी जो रीजनल ऑफिस, अगर कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो आपके करीबी रीजनल ऑफिस में टेस्ट होगा, अगर कैंडिडेट कम होते हैं तो आपके नेक्स्ट सिटी में, जो आपके नियरेस्ट सिटी उसमें बोला, बोलो को आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान में कैंडिडेट कम लोगों ने अप्लाई किया था, तो वेन्यू है रीजनल ऑफिस अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, एडजेसेंट BISC मरी रोड, एबटाबाद तक जो रीजनल ऑफिस है उसमें बुला रहा है, ठीक है। तो कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं तो आपके करीबी रीजनल ऑफिस में होगा, अगर कैंडिडेट कम होते हैं तो नेक्स्ट सिटी में करीबी रीजनल ऑफिस में टेस्ट हो सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।